ये आयशा जी आपके लिए। आयशा तुमको पता है अर्थ क्विक तो ऐसे ही बदनाम है। क्यों? क्योंकि सिस्टर मिलाने के लिए तुम्हारा स्माइल ही काफी है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ लेकिन यहाँ में पिघल गया। आप सब अच्छे हैं, हम तो एकदम बढ़िया है बिकॉज कोलकाता से अपना भाई लोग आया है। रमेश भाई कैमन आसे? नींद अच्छे से हुआ ना रात को? बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग कर रहे हैं लंच और लंच में देख सकते हैं राइस और नेपाली चटनी दाल है और अपना भाई लोग सारे का सारे बंगाली का फेवरेट माछो भात। क्या बोले ये कौन सा मछली है? अतल माछ भाई, इतना बड़ा बड़ा मछली भाई इसको तो बोलते हैं कतल माछ। कलकत्ता में ये मछली तीन दिन खाता है। और लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे जयगांव अपने भाई को ना थोड़ा सा शॉपिंग करना है। भाई बोला था सिक्किम में करेंगे, मैंने बोला पहाड़ी इलाकों में बहुत ही एक्सपेंसिव होता है कपड़ा, यू नो लाइक नीचे से ही तो माल सब जाता है ऊपर तो इसीलिए बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम गरीब यूट्यूबर्स हमें तो आज से सस्ता ही करना पड़ेगा। हाँ सस्ते में हीरो बनेंगे। अभी टाइम हो चुका है 2 PM, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा नहीं बहुत ही लेट चल रहे क्योंकि गैंगटॉक भी जाना है। गैंगटॉक यहाँ से कितना 7 hours तो लगेगा। 7 hours बिकॉज पहाड़ी इलाकों में ना अभी जाम वाम लगता है ना। परमिट कराने भाई? परमिट हो जाएगा वहीं पे जाके। अरे हमारा साइलेंट ब्लॉगर हम रेडी हो चुके हैं जयगांव जाने के लिए। साथ में हमारे मम्मी और पापा भी जा रहे हैं। दुकान हम लोग छोड़ देंगे मम्मी पापा को। कहाँ से? सीधा से? हाँ सीधा सीधा। ये टाइम देख के मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग सिक्किम पहुंच पाएंगे। क्या लगता है रमेश? पहुंच पाएंगे। पापा जी क्या लगता है आपको? 5 बजे चलने से तो लोग पहुंचेगा 11 बजे। सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना। ऑलराइट गाइस हम लोग पहुंच गए अपने दुकान। मम्मी पापा चलिए आराम से रहिए, हम लोग आते हैं ठीक है। एक्चुअली मम्मी पापा घबराते हैं ना रात को ट्रेवल करना। मेरे पापा अगर मैं बोलूंगा ना कि मैं रात को सिक्किम जा रहा हूँ मेरे पापा मेरा पिछवाड़ा फाड़ देंगे। बोलेंगे साले चुपचाप सुबह जा। पापा ब्लॉग देखना, ब्लॉग पापा तो देखते होंगे। वो लड़की क्या सुंदर थी भाई। रुको पूछते हैं इतना सुंदर आप क्यों हो? पूछे? हाँ पूछे। रुको उसके साथ लड़का भी है। अरे तो क्या होगा, सुंदर नहीं बोल सकते? वो क्या करेगा, वो पहचानता है हमें यार। करो ना लामा ब्यूटीफुल। सच्ची में आप बहुत सुंदर लग रही हो। बोल दिया। लड़की का कुछ रिएक्शन ही नहीं आया। नहीं लड़की खुश हो गई। जयगो जाने से पहले अपना भाई का गड्डी जो है गैरेज के अंदर वॉशिंग पे डाल दिया हूँ दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो पे। चलो पहुँच गए हैं हम लोग मार्केट। यही है वो महान जगह जहाँ पे तुम डांस करते थे हैं? हाँ यही पे, ये रोड के साइड में तो हमने डांस बहुत किया ये रास्ते पे। ओला गाइस मार्केट आए थे शॉपिंग करने के लिए और अपना रमेश भाई जो है हाफ पेंट में आया था और अभी देख सकते हैं पूरा जैकेट टी शर्ट और नया पेंट ले लिया है। तो भाई आप खुश हो ना? आप खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हूँ भाई, लव यू भाई। ओके गाइस कार वॉश जगह पे आए थे, ऑलमोस्ट कार वॉश हो गया है। ये भाई हम लोग एक दुकान में गए थे ऐसे कुछ खरीदे तो हम उसको इंडिया का पैसा दिए, वो साला हमें लौटाया भूटान का पैसा। ये आंटी सुंदर है? आंटी नहीं है भाई, ये राजा है भूटान का, हमारा राजा है। अच्छा राजा, नमस्कार राजा जी। भूटान पीपल मो तिमिलो धेरे माया गुरशु नागी छिलुगा। ओके गाइस कार भी वॉश हो गया, अपना रमेश भाई का शॉपिंग भी हो गया, तो जगहों का काम खत्म हो गया। अभी हम जा रहे हैं आप लोगों को एक स्पेशल पर्सन से मिलाने के लिए। ओके गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, आगे है हमारा दोस्त। हेलो आयशा जी, कैसी हो आप? नाइस टू मीट यू। चलिए आइए। सो गाइस हम लोग पहुंचे हैं रिजॉर्ट साइड कैफे पे एंड मैं आपको मिलाना चाहता हूं हमारे आयशा जी से। उससे पहले आयशा जी, ये आयशा जी आपके लिए ठीक है। क्या बोल रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खूबसूरत से परी को जिसका नाम है आयशा तमंग, जो कि हम भी है तमंग। ओके आयशा एक्चुअली मॉडल है जो कि पिछले 7 सालों से कर रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल मॉडल है। और मैं बता दूं हमारे डुबर सिलगुड़ी हमारे जयगांव में ना मतलब सबसे बेस्ट हमारी आयशा जी है। थैंक यू सो मच। हाँ और आपने मूवी भी किया है ना? हाँ। कौन सा मूवी? नाइना मतलब कौन सा? सॉरी
सॉरी, ये मेरे मुंह से निकल गया। एक्चुअली ना बंदा जो सोचते रहता है ना दिन भर, वो ही आता है मुंह पे, तो ये वो सोच। बाप रे बाप, इतना भी सच नहीं बोलना था यार। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आए थे एक वीडियो शूट के लिए जो कि हो चुका है कंप्लीट। तो रमेश भाई आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यार, आयशा जी इतना दूर से आए थप्पड़ मारने के लिए। हमारे रमेश भाई को ना हमारे आयशा जी ने इतना जोर से थप्पड़ मारा ना कि मैं क्या बताऊं। आप ये फुटेज चेक कीजिए। तो आयशा जी के हाथों से, इतना मुलायम हाथों से थप्पड़ खा के आपको कैसा लगा? पहली बात तो थप्पड़ जैसा लगा नहीं यार। अच्छा। मैंने जोड़ के मारा था, ठीक है? वो सुनाई भी दे रहा है। लगा तो था, अभी मेरे सामने नहीं बोला, घर में जाकर तुमको बोलेंगे हर लड़की का हाथ था या हथौड़ा बोल। ये एक्चुअली थॉर का बहन है। थॉर का बहन? सुनो आयशा जी, ऐसे रात को ना निकला मत करो। तो आयशा जी आप देख सकते हैं, मतलब एक अप्सरा है, चलता फिरता, ठीक है? तो मैं आपके लिए ना कुछ पिकअप लाइन बोलना चाहता हूँ। सच में? अच्छा एक मिनट, मेरा जूता का लेस खुल गया, थोड़ा आओ ना। अब देखो भाई, मेरी बस की बात तो नहीं है पिकअप लाइन, तुम हो ओमेगल किंग, तो हमारे लिए कुछ पिकअप लाइन बोल दो कि मैं उसको बोल पाऊँ। ऐसे बोलो कि अर्थक्विक तो ऐसे ही बदनाम है। अर्थक्विक तो ऐसे ही बदनाम है। अच्छा आयशा, अच्छा मेरा जूते का लेस खुल गया था तो लगा दिया हूँ। तो मैंने आपके लिए ना, मतलब पिछले 1-2 सालों से वो पिकअप लाइन ना मेरे दिल के अंदर छुपा के रखा था कि जब मैं आपसे मिलूं तो आपको वो पिकअप लाइन बोल दूं। इतना सारा प्यार, 1-2 महीने का प्यार निकल रहा है। ओके, बोलिए। तो बोल सच में आयशा, तुमको पता है अर्थक्विक तो ऐसे ही बदनाम है। क्यों? क्योंकि सिस्टम मिलाने के लिए तुम्हारा स्माइल ही काफी है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और एक चीज, तुम ना ऐसे रात को निकला मत करो। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे कि दो चांद धरती पे क्या। नहीं होगा भाई, आंसर नहीं होगा। तुम एक बोल दो। Do you know the similarities between you and Momo? No. You both are spicy and hot. Oh. बहुत सालों बाद आयशा से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं बता दूं, हमारे आयशा जी हमारे स्कूल फ्रेंड थे। मैं कब हो गया ये? वैसे डांसर है भाई, मतलब जो डांस करते हैं ना, मतलब आप देखते रह जाओगे। नोरा फतेह तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यार मैं भी सीखना चाहता हूँ डांस यार। नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। वाला करती हूँ, करेंगे लड़की वाला? तो लड़की और लड़का में क्या फर्क है, दिख रहा है? वो अभी नहीं दिखेगा ना भाई, बाद में। चलो मैं दिखा रहा हूँ। इंस्टाग्राम क्या आपका? आयशा तमंग है ना? आयशा तमंग, आयशा तमंग 19, आयशा तमंग 19। तो आपको इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम में जाके आप देखोगे ना, इंस्टाग्राम में बहुत ही अच्छी डांस और मॉडलिंग का तो आप देखोगे ना, तो आप ना लोगोगे कि भाई ये कौन है भाई, ये केली जेनर का बाप है, ऐसा आपको लगेगा। मैं भाई लड़का बना। चलो भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आया। पहले हम दोनों साथ में डांस किया करते थे, और बीच मोड़ पे क्या हुआ कि अब बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज आने लगे, तो आयशा चली गई नेपाल, और बहुत सारे मतलब वेब सीरीज भी आपने किए हुए हैं। तो आप ऐसे ही तरक्की करते रहो आयशा जी। थैंक यू सो मच। और जयगो का नाम रोशन करते रहो। हाँ, और आप ऐसे ही फॉलो करते रहो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आयशा जी कैसा लगा आज का दिन? तेरा फोन तेरे पे है क्या? सच में? हाँ। ए भाई वो फूल क्यों लेके जा रहा है? रुको यार, एक आयशा जी के लिए। चलो फाइनली ये आयशा जी आपके आपके लिए, ठीक है? क्योंकि ये आप डिजर्व करती है, ठीक है? वैसे आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं है। शादी कब कर रही हो? तुम कब कर रहे हो? मेरा तो कोई सीन नहीं है। मेरा भी नहीं है, जब तुम्हारा होगा तब। अच्छा रॉक एक दिया, मैं ये पूरा देता हूँ तुम्हें। बाप रे बाप, चलो आयशा जी के लिए। मेरे पास तो कुछ नहीं। तू मेरा रोज कमल लिटिल प्रो। चलो आयशा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, टेक केयर। अरे रे सनी भाई, इतना दुख काहे किया यार। तो अभी हम लोग आए थे अमर भाई के यहाँ। रमेश भाई अपना वीडियो में खुद कमेंट कर रहे हैं, ये देखो बंदा। ये वीडियो पे जो 3-4-5 हजार का कमेंट आया ना, ये खुद किया है, अलग अलग अकाउंट में जाके। अमर भाई के अकाउंट से क्या लिखा है? व्हाट अ कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड बेस्ट वीडियो एवर। बाप रे बाप, उसको क्या बोल रहे? कचौड़ी खा रहे हैं अभी हम लोग। फाइनली गाइस हम घर पहुंचे थे, अपना रमेश भाई, अपना मम्मी पापा, ये रहा अपने सारे दोस्त, और साथ ही साथ अपना कालू भाई भी आया हुआ, ठीक है? अभी एक चमत्कार देखोगे पापा, रेडी चले।
कले कले माती जा माती ओए कले कले माती जा बहुत एक बार बुला के फिर भेजिए कले आजा अरे माती ब्लैक पैंथर है वकांडा फॉरएवर। सो हम लोग सुबह सिक्किम जाने वाले थे बट कुछ काम रह गया था जगह पे, वो खत्म हुआ अभी रात को। तो फाइनली ये जो एक एनसी गाइस मेरा बैग हो चुका है पैक, हम सभी लोग हो चुके हैं रेडी, अभी रात को हम लोग निकल रहे हैं सिक्किम की ओर। हम लोग सुबह के 3 बजे तक सिक्किम पहुंच जाएंगे, ठीक है? आराम से जाना, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं। वो सब, वो रहा ड्राइवर, सब बताता है ड्राइवर कौन है। अभी ये दिन बस हो गई बैठा खाना खाओ बोला साथ में खाएंगे, लेकिन ये कौन कौन लोग तो बाहर जाके आया अभी रास्ता में। बूढ़ों की बड़ा 4 लोगों का जिंदगी मेरे हाथ के ऊपर है। अभी रास्ता में आराम से खाना, रोटी छोटी रोटी खाएंगे, भात खाएंगे। क्या बोला? नींद आ जाएगा, नींद आ जाएगा, गैस हो जाएगा। वो बोला नहीं, बोला कि चावल खाने से गैस हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों। कालू बाय बाय। कालू मेरे भाई क्या हुआ रे? चलो हम निकलता है, ठीक है? कूची 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 कालू 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 कालू। तो 3 दिन सिक्किम में रुकेंगे, 2 दिन दार्जिलिंग में, उसके बाद सिलगुड़ी, उसके बाद घर आएंगे। तो यस, आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग काफी मजा आएगा दोस्तों। तो एंजॉय करो, एंड तक रहो, हम लोग तब तक सिक्किम पहुंचते हैं। ओके गाइस, रात के 1:30 हो रखे है, बागपुल क्रॉस हो गया है। अब यहाँ से रामपुर जो सिक्किम है, यहाँ से बस 1-2 घंटा का ही रास्ता है। बट हमारे जस्ट बगल में ना एक अलग ही सीन देख रहा हूँ यार, एक गाड़ी ना उस तरफ पे पूरा पलटा हुआ है। अब पता नहीं ये कब हुआ है ये इंसिडेंट, देख लेते हैं। थोड़ा सा और बैक कर दो, रुको और पीछे लो, और पीछे लो। ओम नमः शिवाय जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय जय बजरंगबली। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ये देखो गाइस, गाड़ी पूरा उस तरफ पलटा हुआ है। हाँ, कोई है क्या? गाड़ी पूरा पलटा हुआ है जो एजेंसी गाइस, ये कब का हो सकता है? ये अभी का तो नहीं है शायद, ऐसा लग रहा है कि ये अभी का है। देख लेता हूँ भाई, ओम नमः शिवाय। रुका, फक ब्रो, रुको रुको रुको, जब मैं अभी आईने पे उसको देख, रुको 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 रुको, देख लेता हूँ कोई है क्या। चलो चलो चलो, कोई नहीं है कोई नहीं है, थैंक गॉड ये अभी का इंसिडेंट नहीं है। आई थिंक ये सुबह हुआ होगा, तो अंदर इंसान नहीं है, आई होप कि वो सेफ है। ओके गाइस, अभी टाइम देख सकते हैं सुबह के 3:01 है और हम लोग आ पहुंचे हैं सिक्किम, और हमारे भाई लोग सभी लोग सो चुके हैं। बस ये सोया नहीं है, वो तो चित पड़ा है। हमारे रमेश भाई तो पूरा खर्राटे ले रहे थे थोड़ी देर पहले। तो यस गाइस, वेलकम टू सिक्किम। रामपुर में 10 मिनट ही रेस्ट किया, देन वी डिसाइड कि हम लोग जा रहे सीधा मंगन। अब मंगन में जाके जो होगा वहीं पे देखा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो अभी मंगन जाते जाते ना कुछ खुल ही जाएगा, 2 घंटा लगेगा यहाँ से मंगन, तो आराम से जाएंगे। अरे भाई तुम तो भगवान हो बे, ये तो नीम की है भाई। हाँ नीम की जैसा ही है भाई, आगे बोलना चाहिए था ना, भूख से आप यहाँ पे मर रहे थे। आप लोग 1 महीना पहले दिया के लिए अभी। अच्छा ठीक है ठीक है, ये रोड सीधा चलो इधर। थैंक गॉड कुछ खाने को मिल गया, बट हमारे गड्डी में ना पानी भी नहीं है। ये साइड में नदी है तो जम मार दे क्या? अब जिस रास्ता होकर जा रहे हैं ना गाइस, पूरा का पूरा जंगल एरिया है। एक बार हम नॉर्थ सिक्किम में ही रास्ता होकर गए थे बाइक में, बारिश का टाइम था, बाप रे बाप, ऊपर से पूरा लैंडस्लाइड होकर ये पूरा मतलब रास्ता जो है ना पूरा फंस गया था। हाउ कुड यू लीव 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 बिन तेरे के डेदा दा। मेरे को तो नींद लग रहा था, सोने वाला था, ठीक है। ये टनल आया और टनल के सामने ये मंदिर देखो, और वहाँ पे हमारे हनुमान जी, जय बजरंगबली। और हनुमान जी ने हमारी पुकार सुन ली, हमें ये दिखा दिया यहाँ पे पानी है, ठीक है। आ जाओ भाई, ये देखो यहाँ पे है कल, आई होप कि पानी हो यहाँ पे। चलो, ओ भाई ऐसा लग रहा है मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। तेरी याद सताए रात रात, गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे और हम लोग मंगन की ओर जा रहे, और रास्ता देखो यहाँ पे, वाह बहुत ही एक्सट्रीम ऑफ रोड हो रखा है यहाँ पे। नदी बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये देखो साइड में ये नदी है, उस तरफ घर है, पहाड़ 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 आ गए भाई। आ गए यार पहाड़ तो आ गए, वही वही भाई भाई देखो अभी जाता आराम से यार, आराम से ही जा रहा हूँ। रात को 10 बजे निकले थे, सुबह के 7 बज गए हैं, और हमारा सिक्किम का चाय आ चुका है विद दिस व्यू दोस्तों।
वाह क्या ही नजारा है। ओह पहाड़ में आके मैगी नहीं खाओगे तो का ही करोगे। तो सुबह सुबह हमारा मैगी आ चुका है गर्म गर्म। टाइम देख सकते हैं सुबह के 8 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मंगन डिस्ट्रिक्ट जो कि पड़ता है नॉर्थ सिक्किम साइड में। तो अभी हम लोगों को ना यहाँ पे 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा बिकॉज हमने यहाँ पे सामने एक भाई से बात किया कि 3 बजे का ऑफिस खोलेगा जो हमें परमिट बनाना पड़ेगा क्योंकि परमिट के बिना हम लोग को ये आगे चेक पोस्ट है वहाँ से एंट्री नहीं मिलेगा क्योंकि उधर तो बहुत बॉर्डर एरिया ये सब पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। तो अभी यहीं पे 2-3 घंटा हम लोग सो जाएंगे। आपको आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में बिकॉज मेरा हाल बेहाल हो रखा है हम सोए नहीं है। तो हम जाएंगे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। पता नहीं वीडियो मैं कब एडिट करके कब अपलोड करूंगा बिकॉज अभी जो सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि मैं अभी एडिट कर पाऊंगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कांची दिन रैक 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 डैक 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 साउंड नहीं आ रहा यार। कांची दिन रैक 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 डैक डैक डैक। पूरी बाबा हंसते रहो हंसाते रहो खिलखिलाते रहो।